मोबाइल फ़ोन का प्रयोग हम सभी करते हैं, अब तो यही स्मार्टफोन हो गया है, 4G हो गया है, जल्द ही 5G आने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन किस इंजीनियर ने बनाया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कब हुआ? दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी ने लॉन्च किया? इसकी कीमत कितनी थी? दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन की बैटरी का बैकअप कितना था? भारत में मोबाइल फ़ोन कब आया? भारत में मोबाइल फ़ोन लाने वाली कारोबारी और कंपनी का नाम क्या था? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया। 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल फ़ोन का बर्थडे दर्ज किया गया। ये वही तारीख है जब मोबाइल फ़ोन सबसे पहली बार उपयोग किया गया, यानी दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ। ये तो आप जानते ही हैं कि दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला कंपनी ने लॉन्च किया था। इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1970 में मोटोरोला कंपनी ज्वाइन की थी। ज्वाइनिंग के साथ ही वे वायरलेस पर काम करने लगे थे और 1973 यानी मात्र 3 साल में उन्होंने वह कर दिखाया जिसका सपना किसी ने नहीं देखा था। मार्टिन कूपर द्वारा बनाया गया पहला मोबाइल फ़ोन का वज़न लगभग 2 kg था। एक बड़ी बैटरी को कंधे पर लटका कर चलना पड़ता था। एक बार चार्ज होने के बाद उस मोबाइल से 30 मिनट तक बातें की जा सकती थी, लेकिन उसे दोबारा चार्ज करने में 10 घंटे का समय लगता था। 1973 में मोबाइल फ़ोन की कीमत लगभग $2,700 यानी $2,00,000 थी। 1973 में लॉन्च हुए पहले मोबाइल फ़ोन को OG यानी जीरो जनरेशन मोबाइल फ़ोन कहा जाता था। पहले मोबाइल फ़ोन के आविष्कार के 10 साल बाद यानी 1983 में मोटोरोला ने आम लोग के लिए पहली बार मोबाइल बाजार में लाया। इस मोबाइल का नाम था मोटोरोला डायनटेक 8000X। एक बार चार्ज होने के बाद इसमें 30 मिनट तक बातें हो सकती थीं। इसमें 30 मोबाइल नंबर भी सेव किया जा सकता था और उस समय उसका मोल $3,995 यानी $2,95,669 रखा गया था। भारत में मोबाइल फ़ोन का आगमन दुनिया के पहले मोबाइल डायनेमिक टैक 8000X बनने के 12 साल बाद यानी 21 जुलाई 1995 को हुआ। दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए भारत में 20 फरवरी 1997 में ट्राई टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत में मोबाइल सेवा प्रारंभ करने का प्रयास 1994 के मध्य भारत के उद्यमी भूपेंद्र कुमार मोदी द्वारा किया जाने लगा था। उन्हीं की कंपनी मोदी टेस्ला ने देश में पहली बार मोबाइल सेवा का प्रारंभ किया था। इसी मोबाइल से पहला कॉल कंपनी के नेटवर्क जिसे मोबाइल नेट कहा जाता था कोलकाता से दिल्ली किया गया था। इस कंपनी को आगे चलकर स्पाइस मोबाइल के नाम से जाना गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक।